नमस्कार दोस्तों, मैं जगताप सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास सीपी 510 आ चुके हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको एक आउटडोर साइट पे लेके जाएंगे, जहां पे पूरा प्रॉपरली चेक कराएंगे और दोनों को कॉन्फ़िगर करके आपको बताएंगे एक साइड से दूसरी साइड में किस तरह से इंटरनेट शेयर किया जाता है, किस तरह से नेटवर्किंग की जाती है, ताकि हम आपस में शेयरिंग कर सकें। ऐसे इंटरनेट शेयर करना इलीगल है, क्योंकि ISP जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं चाहते भी हाँ आप हमारा इंटरनेट शेयर करके दोबारा दोबारा जगह जगह पे यूज़ करें, उनको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आप अपने लेवल पे अपनी नेटवर्किंग शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात आ रही है भी, यहाँ पे हम आपको अनबॉक्स करके बताएंगे, साथ में कॉन्फ़िगर करके बताएंगे। ये हमारे किसी कस्टमर ने दोनों पीस खरीदे हैं और वो चाहते थे भी हम उनको कॉन्फ़िगर करके ही उनको सप्लाई करें, पूरा सेटअप तैयार करके दें। तो उस तरीके से आप भी हमारे से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का, आप हमारे से बात कर सकते हैं। या अगर आपने हमारे से बात करनी है तो हमारे नाम को जो चैनल नेम है वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा 12-13 साल पुराना बिजनेस है, तो हमारे कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन है पूरा सोशल मीडिया पे, और आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट में भी फोन नंबर है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसको हम अनबॉक्स करते हैं। इस तरह से देखिए, ये इन्होंने स्पेशल इसमें कागज एक पॉलिथीन जैसी लगाई है, जिसमें CP 510 लिखा है, 5 GHz है और बाकी सब कुछ देखेंगे। डबल पैकेजिंग ही थी, पहले एक लिफाफा था, अब दूसरा एक और लिफाफा है। और इस तरह से हम एक पीस खोल के दिखा देते हैं आपको, फिर दोनों को हम सिर्फ आपको कनेक्ट करके कैसे कनेक्ट करते हैं और साइड पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से है, इसमें हमारे को एक पावर केबल मिल जाती है जिसमें 3 पिन है, और इस तरह से है ये देखिए। और उसके बाद हमारे को ये मिल जाता है CP 510, काफ़ी हैवी है, 210 से ज़्यादा हैवी है। और इस तरह से है ये, और यहाँ पे आपको मालूम है इसमें एक RJ45 का पोर्ट है, साथ में रीसेट का है और एक अर्थिंग के लिए इन्होंने पॉइंट देकर रखा है, और यहाँ पे इसका जो है मैक एड्रेस लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे हमारे को इंडिकेशन भी रहती है पावर लाइन और वाईफाई की, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से ये राउटर है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। और इसके साथ कुछ केबल टाइज हमारे को मिल जाती हैं, जिसमें हम इसको पोल में टाई कर सकते हैं। और साथ में हमारे को इसमें POE मिल जाता है 24 वोल्ट का, और साथ में हमारे को गिट्टी पेच भी इसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है, ताकि हम जो ये POE है कहीं पे इसको वाल में लॉक कर सके, जो कि इसका यहाँ से खुल जाता है इस तरह से। इसका स्टैंड भी है, इसे हम लगा देंगे दीवार में, तो ये POE जो है दीवार पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि टोटली आउटडोर है, वेदर प्रूफ है और सर्ज प्रोटेक्शन भी है इसमें पावर के लिए। 24 वोल्ट का POE है, नॉर्मल 50-60 किलोमीटर ड्यूअल एन केबल इसमें प्रॉपरली करती है। और अब जो है इसको सेटअप करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसको हम जो है, इसमें लैन केबल नहीं है, कोई भी लैन केबल नहीं है आपको पहले बता रहे हैं, और हमें चाहिए होगी 2 लैन केबल्स, जिसमें हम एक लैन केबल यहां से लगाएंगे इसमें ताकि इसको पावर मिल जाए, दूसरी लैन केबल यहां से निकाल के लगाएंगे हम किसी PC में ताकि इसको हम कन्फिगर कर सकें। और मोबाइल पे डायरेक्ट ये नहीं आएगा, मोबाइल पे लाने के लिए भी हमें पहले इसको वाईफाई से ही किया किसी राउटर के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि इसको हम फिर एक्सेस कर सकें। तो लेके चलते हैं आपको PC स्क्रीन पे, सेटअप करके बता देता हूँ पहले मैं आपको। इस तरह से लैन केबल है हमारे पास एक, हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये हमारा जैसे POE है, और यहाँ पे एक लैन और POE लिखा हुआ है, तो हम POE में से लगा देंगे। और यहाँ पे हम लैन वाली केबल जो है, जो हमारे किसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में है, वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। हम डायरेक्टली एग्जिस्टिंग नेटवर्क में लगा रहे हैं, क्योंकि IP एड्रेस इसका 0 वाली सीरीज में चलता है और हमारा 1 वाली सीरीज में। अगर एक डिवाइस 0 वाली सीरीज का आ गया हमारे नेटवर्क में, तो हमारे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम इसको स्टैटिक IP एड्रेस देके कन्फिगर करके फिर इसको 1 वाली सीरीज में ला सकते हैं। तो हमें कस्टमर को भी पूछना पड़ेगा किस सीरीज में रखना है, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल पता नहीं उन्होंने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, लेकिन हम जो है बाय डिफॉल्ट 0 वाली सीरीज ही रहने देंगे। और इस तरह से देखिए कुछ सेटअप हो जाएगा, और दूसरी तार जो है यहाँ स्विच में जा रही है, या किसी मॉडर्म राउटर या 4G इंटरनेट में भी जा सकती है, ताकि वहाँ का जो है यहाँ पे चले जाए आगे। और क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इसे मैं जो है, छोटी लैन केबल है, इसे मुझे जो है नीचे ही रखना पड़ेगा पावर के पास। और इस तरह से अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे लाइटें जल चुकी हैं, इसे मैं यहीं पे रख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। सबसे पहले हम आप देखते हैं भी क्या हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मेरे हिसाब से आप 192.168.0.254 जो है इसका IP एड्रेस है, क्या हम इसे एक्सेस कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को IP एड्रेस मिला है 1. कुछ
और हम 254 में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो अपना आईपी एड्रेस है उसमें एक सेकेंड आईपी एड्रेस कन्फिगर करना पड़ेगा ताकि हम दोनों नेटवर्क में एक्सेस कर सकें, या फिर हमें जो है अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को जो है इस नेटवर्क से एक्सेस करने के लिए सेम सीरीज में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस डाल के बताएंगे ताकि हम जो है दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकें, जैसे हम टीसीपी आईपी एड्रेस में जा चुके हैं। बट इसमें करने के लिए पहले हमारे को जो है मेन, जो हमारा मेन आईपी एड्रेस है उसे भी हमारे को स्टैटिक करना पड़ेगा, तो तभी जो है हमारा चल पाएगा। और उस टाइम पे अगर हम करते हैं तो इससे हमारे को कोई इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो हम 0 डॉट कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे चाहे हम डिफॉल्ट गेटवे डालें चाहे नहीं डालें, क्योंकि हमने कौन सा इंटरनेट चलाना है। तो इस तरह से हम कन्फिगर करके कर सकते हैं, या फिर जो है एक और तरीका भी है, जैसे मान लो अगर हमारा 1 वाली सीरीज में चल रहा है कुछ, तो 192.16, ताकि हमारा इंटरनेट भी काम करता रहे और बाकी चीज़ें भी चलते रहे। तो इस तरह से हमने जो है एक आईपी एड्रेस हमारा कन्फिगर हो चुका है, सेकेंड आईपी एड्रेस हम यहाँ पे जाके ऐड करेंगे और कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो 0 वाली सीरीज का है, और इस तरह से डिफॉल्ट गेटवे भी डाल सकते हैं दूसरे वाला अगर दूसरी जगह से इंटरनेट आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा दोनों नेटवर्क में एक्सेस हो जाएगा, 0 भी और 1 भी। तो अब जो है हम हमारा इंटरनेट भी काम करता रहेगा और हम दूसरी जगह भी जा पाएंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल चुका है और प्रोसीड टू अनसेव। तो इस तरह से हम 0 वाली सीरीज में भी जा पा रहे हैं, और चाहे तो हम अपने 1 वाली सीरीज में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों नेटवर्क जो है प्रॉपरली काम करते रहेंगे। 2 आईपी एड्रेस हमें डाल दिए हैं, तो फर्स्ट टाइम हमें कन्फिगर करने के लिए एडमिन, और इसमें पासवर्ड फिलहाल हम एडमिन डाल रहे हैं, तो बाद में हम कस्टमर को तो जो पासवर्ड डालेंगे वो तो ना आपको बताएंगे, तो इसलिए रीज़न हम इंडिया कर देते हैं। तो इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिया, इंग्लिश रहने दिया और लॉगिन कर दिया है, और इस तरह से CP 510 का हमारा फर्स्ट पेज जो है खुल चुका है। और अब जो है यहाँ पे नया पासवर्ड रखने के लिए मांग रहा है, तो हम एडमिन 123 सबसे मुश्किल पासवर्ड रख लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा सेटअप शुरू हो चुका है, और उसके बाद जस्ट हम क्विक सेटअप में विजार्ड चला सकते हैं, और ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, यानी कि इसका एक AP जो है नाम आएगा, उसके लिए हम एक्सेस पॉइंट इसे बोल सकते हैं, और इसका आईपी एड्रेस क्या रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें DHCP ऑफ रखेंगे, ऑन रखेंगे, यानी कि ये आईपी एड्रेस दे सकता है किसी और को या नहीं दे सकता है, तो हम ऑफ रखेंगे क्योंकि ये साइड टू साइड रहेगा, और जो भी नीचे राउटर वगैरह लगेंगे वही आईपी एड्रेस देंगे, ताकि जो है आपस में कनेक्टिविटी ठीक ढंग से हो सके। और इसका जो नाम है, अभी हम जा रहे हैं मैगल में, तो हम मैगल रख देते हैं इसका। मैगल एक जगह है, ग्राउंड है, वहाँ पे हम जाके टेस्ट करेंगे। मैगल रख दिया हमने, और इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना है, फैंसी वगैरह सब कुछ। और सिक्योरिटी जो है हमारे को पासवर्ड रखना पड़ता है, तो हम इसमें पासवर्ड रख देते हैं अपना, जो भी हम नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं वो हमने रख दिया है, और मैक्स ट्रिम भी इनेबल कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। और एक्सेस पॉइंट है, ये आईपी एड्रेस है, और इस तरह से हम मैक्स ट्रिम इनेबल और फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक्सेस पॉइंट। इसमें हम साथ में इसका टाइम एंड डेट भी सेट कर देंगे ताकि हमारे को लॉग्स वगैरह देखने में आसानी हो। सिस्टम में चले जाएंगे और टाइम जोन जो है हमारा यहाँ पे +5:30 जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से, और उसके बाद सिंक्रोनाइज PC से भी कर देंगे और अप्लाई भी कर देंगे इस तरह से, सेव भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड भी कर सकते हैं, प्रॉपरली लोकेशन हम सेव कर सकते हैं, और इस तरह से सेटिंग थी। और अगर हमने DHCP ऑन करना है इसी का, यानी कि ये अगर IP एड्रेस किसी को देगा तो नेटवर्क में जाके यहाँ पे हम स्टैटिक जगह डायनेमिक करेंगे, तो इसको तो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इसको कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क से, यानी कि इंटरनेट से यूज़ करना है रिमोट एक्सेस वगैरह, तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे वगैरह डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो अभी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये तभी एक्सेस होगा जब सेम सीरीज़ के आईपी एड्रेस इसमें आएंगे। जैसे मेरे हमारे कंप्यूटर में भी तो 0 डॉट कुछ है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ना डिफॉल्ट गेटवे ना हमारे पास है, तो आपस में ये कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो पीछे से आएगी वही चलेगी, बाकी इसके साथ बात करनी है तो सेम आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। वाईफाई का नेटवर्क आ चुका है, यानी कि इसमें वाईफाई ऑन हो चुका है, सिग्नल ही ट्रांसमिट करना शुरू कर चुका है। अब हम जो 5G कार्ड का वाईफाई अगर मेरे मोबाइल में है, दूसरे रिपीटर को भी हमें यहीं पे ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है दूसरा पीस। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दूसरा ऑन करने से पहले हम आपको बता रहे, जब इसका 0.254 आईपी एड्रेस है, तो इसको हम जो है 0.254 की जगह एक को 160 कर देंगे, 170 कर देंगे, ताकि हमारे को याद रहे भी हाँ अभी क्या आईपी एड्रेस है, क्योंकि जब दूसरा ऑन करेंगे तो सेम आईपी एड्रेस हो जाएगा, तो हम इसको किसको ओपन कर रहे हैं हमारे को खुद ही समझ आएगा, तो नेटवर्क को क्या समझेगा। तो इस तरह से एक को हम जो है 160 कर रही है। अब जो है हमें इसको भी ऑन करना है, और इसको ऑन करने के लिए वही सीन है, हमारे को एक लैन केबल चाहिए एक्स्ट्रा,
तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, उसके पास मैं रख देता हूँ ऐसे, उस पे लैन केबल है, स्विच में लगी है और वहाँ चार्जिंग के पॉइंट भी हैं, तो इस तरीके से जो है सब कुछ हो जाएगा। तो इसमें हमारे को POE देनी है और साथ में लैन केबल भी चाहिए, तो एक लैन केबल वहाँ भी चाहिए। तो मैं पहले सेटअप करके आता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। और ये देखिए लैन केबल आई है और चार्जर ऑन है, और ये जो लैन केबल गई है यहाँ स्विच में गई है और एग्जिस्टिंग नेटवर्क में ही डाल के जो है हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है एग्जिस्टिंग नेटवर्क में करने के लिए, क्योंकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल आप सिंगल कंप्यूटर पे लगाइए और उसमें आईपी एड्रेस दीजिए 0 वाला जैसे मैंने दिया है, और फिर कन्फिगर कीजिए। यहाँ पे देखिए अपने आप ही ये 160 को आ चुका है, हम 0192.168.0.254 को जो एक्सेस कर रहे हैं वो भी हमारे पास प्रॉपरली चल रहा है। तो आप सोचिए एग्जिस्टिंग नेटवर्क में हम डाल रहे हैं इसको और कंप्यूटर के साथ वही नेटवर्क ही चल रही है, लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं। तो ये मतलब जो है एक्सपीरियंस की बात है और कुछ नहीं है, कुछ लोग कर सकते हैं मतलब, और उसके बाद वही सब कुछ है। यहाँ पे हम चले गए इंडिया में और लॉगिन किया और नेक्स्ट कर दिया, वही सबसे मुश्किल पासवर्ड जो है हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिनिश कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद जो है अब हम सीधे क्विक सेटअप विजार्ड में चले जाते हैं। ये हमारा एक क्लाइंट है जो कि मतलब इसका नेटवर्क वहाँ लेगा, तो थोड़ा सा इसका फेस इधर को कर देते हैं जो ये वाईफाई की डायरेक्शन है उधर को दे पाए। नेक्स्ट करेंगे इसका आईपी एड्रेस हमें आपको मालूम है 170 करना है, तो अभी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और हम सर्वे कर देंगे, तो ये क्या करेगा अब ढूंढेगा अभी हाँ कौन कौन से वाईफाई यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है वाईफाई मैगली आ रहा है कि जो कि यहाँ पे है, और इसके हम लॉक कर देंगे इसे, मतलब इसी के साथ हमें इसे पेयर करना है, फिक्स करना है, तो मैक एड्रेस की लॉक हो जाता है। देखो OTP भी हाँ भी ये यही मैक एड्रेस जो है लॉक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मोबाइल आ चुका है, तो मोबाइल पे देख लेते हैं मैगल नाम कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हमारा नया वाला राउटर है उसका नाम आ रहा है और मैगल भी आ रहा है भाई। ये वैसे UBNT के जो वाईफाई आते हैं ना वो नहीं आते मोबाइल में, लेकिन इनके आ रहे हैं, यानी कि ये वही फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं जो मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप जब इसको लगा रहे हैं तो 5 GHz पे, यानी कि ये सबसे खतरनाक चीज़ होगी। हम घर में यूज़ करते हैं ना 5 GHz का राउटर, तो उसकी वाईफाई की रेंज कितनी होती है और इसकी कितनी होगी। ये तो आउटडोर मॉडल है, तो भाई ये तो मज़ा आने वाला है। और कोशिश करेंगे भी आज इसको घर में ले जाके जो है चेक करेंगे भी हाँ भी कितनी इसकी वाईफाई की रेंज है। C6 हमारे घर में लगा हुआ है और उसकी वाईफाई की रेंज कितनी है और इसकी कितनी है, तो वो भी चेक हो जाएगा। तो अगली वीडियो में भी आप ज़रूर हमारे को देखेगा। और अब जो है शुरू करते हैं, लॉक कर दिया है, पासवर्ड हम वही डाल देते हैं और डिस्टेंस सेटिंग जो है ऑटोमेटिक रहने देते हैं। नॉर्मली हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसा था पावर जो है इंक्रीज कर सकता है फिर ये, तो मैक स्ट्रीम की ऑप्शन नहीं आई है, लेकिन देखते हैं। और ये हो चुका है हमारा कन्फिगर, और चेक कर लेते हैं इनको आपस में कनेक्टिविटी और चैनल फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है। मैक्स स्ट्रीम ऑन है और मैक्सिमम TX रेट कितना है जो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ये 170 वाला है जो ये रिसीव कर रहा है। तो ये क्लाइंट है, इनेबल्ड है देखिए, और मैकल के साथ जुड़ चुका है, 300 Mbps आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और मैक्स स्ट्रीम ऑन है, डिस्टेंस 0 है, 7 dBm पावर यूज़ कर रहा है। तो हम वैसे वायरलेस में जाके यहाँ पे जो पावर है ट्रांसमिशन पावर को जो बढ़ा भी सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 7 dBm अभी यूज़ कर रहा है, ये मुझे लगता है अपने हिसाब से जो है कंट्री रीजन के हिसाब से जो है अपने हिसाब से चीज चेंज करता है। अगर जैसे मान लो हम करें पाकिस्तान, तो शायद हो सकता है ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मैंने यह टेस्ट का एक मोड था है इसमें टेस्ट मोड, उसमें शायद ज़्यादा पावर हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद देखिए पावर कितनी हो जाती है, 25 dBm तक हो सकती है। तो ये वैसे रेयर है, अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा दूर लगा रहे हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ट्रांसमिशन पावर बढ़ जाती है और दूर तक जो है सिग्नल चले जाता है, और हम सेव कर देंगे। तो ये टेस्ट मोड जो है टिप लिंक में होता है। टिप लिंक और भी कई राउटर आते थे ऐसे जो हमने होटल्स में लगाए, दो दो तीन तीन फ्लोर जो है टेस्ट मोड पर चला के हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है उनको पूरा होटल वाईफाई किया। और हम साइट पे जा चुके हैं, यहाँ पे संदीप जी UPS लेके एक साइट का सेटअप हमारे साथ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास CP510 साथ में Huawei 2S राउटर है,
इसको हम डायनेमिक कैसे करेंगे वो आगे चल के आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने एक टेम्पररी स्टैंड बनाया है, आप प्रॉपरली कुछ भी यूज़ करके पोल वगैरह माउंट करें। और इस तरह से पीओई चार्जर हमने यूपीएस के साथ लगा के टीपलिंक सीपी 510 को यहाँ पे लगाया है टेम्पररी फ़िलहाल। और यहाँ से हमने फिर सीपी 510 को पीओई से पावर दी है, पीओई लैन से। आप ध्यान रखें जो पीओई है उसमें पावर चलती है 24 वोल्ट, तो ध्यान रखें भी किसी और डिवाइस में ना लगाए पीओई वाली लाइन केबल, सिर्फ पीओई डिवाइसेस में ही लगाएं, यानी कि टीपलिंक सीपी 510 में। और हुआवे 2S को भी हम ऑन कर लेते हैं, और इसमें कोई सिम नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट राउटर है। आप इसकी जगह पे कोई भी नॉर्मल वैन वाला राउटर जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ऑप्शन हो वो लगा सकते हैं, और लैन केबल हम फिर पीओई से जो निकलती है वो राउटर में लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और दूसरी साइड पे भी आपको बताते हैं किस तरह से सेटअप किया है। और वहाँ पे अभी हमने एक यूपीएस लिया है और चार्जर को कनेक्ट कर देंगे, पीओई चार्जर सीपी 510 एक और यूज़ करेंगे हम। और पीओई में हम एक लैन केबल लगाएंगे, और उस लैन केबल को हम सीपी 510 में लगा देंगे। सीपी 510 को बिल्कुल सामने की तरफ उसको अलाइन करेंगे दूसरे एंटीना की तरफ, और एक एंटीना हमने टावर यहाँ पे आईडिया का टावर भी उस तरफ लगाया हुआ है। और लैन केबल हम यहाँ पे थोड़ी बड़ी यूज़ कर लेंगे जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम पीओई में लगा देंगे। और जो छोटी लैन केबल है उसे हम किसी भी लैन वाले पोर्ट में लगाएंगे, वैन वाले पोर्ट में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से लैन केबल से जाएगी इंटरनेट कनेक्शन और दूसरी तरफ साइड पे जाएगा। तो इस तरह से हमने सेटअप यहाँ पे भी किया है। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल पे हुआवे के साथ जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद उसका आईपी एड्रेस मोबाइल पे ओपन करके इसमें लॉगिन करके इसमें इथरनेट की सेटिंग में जाके हम इसका लैन आईपी एड्रेस जो है डायनेमिक करेंगे, ताकि ये वैन के तरीके से जो है लैन को यूज़ करे। और इसकी जगह आप दूसरा राउटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके वैन पोर्ट पे लैन केबल लगा के एक साइड पे आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने सेटअप किया है, और आगे देखते हैं अब। सो फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल पे इंटरनेट चल चुका है, संदीप जी साइड पे हैं, MR600 चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास हुआवे 2S राउटर है, बट इसमें कोई सिम नहीं है। आईपी एड्रेस हमारे को इसी से मिला है, ये एक तरीके से DHCP एक्सेस पॉइंट तरीके से काम कर रहा है, और वहाँ से जो आ रहा है आईपी एड्रेस उसको डायनेमिक है, दोनों ही जगह पे हमारे को एक्सेस करवा पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.1 हम अगर खोलना चाहते हैं तो टिप लिंक को भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास हुआवे चला हुआ है। बात करें स्पीड टेस्ट की, तो यहाँ पे जियो का हमने सिम लगाया हुआ है और सिग्नल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और हो सकता है 4G+ आ रहा हो या नहीं आ रहा है, वो तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने टिप लिंक को एक्सेस कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। और बात की जाए अगर बैंड लॉक करने की, तो यहाँ पे बैंड 3 और बैंड 1 है, इसलिए ही बैंड नहीं आ रहा है। तो बैंड 5 करके मैं सेव कर देता हूँ, तो हो सकता है ये बैंड लॉक हो जाए, हो सकता है ना हो। तो यहाँ पे 75 dBm सिग्नल आ चुका है, इसका इंटरनल एंटीना है, और बैंड लॉक हो चुका है, 4G+ आ चुका है। और अभी जो स्पीड आ रही थी बैंड 3 की, तो आपने देखी थी 7.58 और 9.63 जो स्पीड आ रही थी अभी हमारे को सिंगल बैंड में, जब हमने ड्यूल बैंड कर दिया और वहाँ का नेटवर्क हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, और किसके थ्रू कर रहे हैं, टीपलिंक सीपी 510 के थ्रू, जिसको हमने दोनों साइड में जोड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्पीड जो है एक साइड से दूसरी साइड पर हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट नहीं है इस साइड पर, और वहीं से जो है हम यहाँ तक 20 Mbps ले पा रहे हैं। और मतलब आप समझ सकते हैं भी जितना अगर हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जैसे 20-30-40 Mbps तक अगर हमारे को नेटवर्क मिलता है, तो नॉर्मली सीपी 510 210 या नेटवर्क से हम एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी साइड पे पहुँचा सकते हैं। और अगर ऐसी आपकी रेयर लोकेशन है जहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, जैसे उस पहाड़ी पर है, इस पहाड़ी पर नहीं है, तो ऐसे आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, खर्चा थोड़ा सा पड़ जाएगा। जैसे सीपी 510 दो आते हैं तो ये लगभग 3800-3800 रुपये, यानी कि 8000 रुपये के आसपास जो है आपको ये खर्चा बैठेगा। उसके बाद एक राउटर नीचे लगेगा, उसके बाद पहली तरफ भी एक 4G राउटर लगेगा, या हो सकता है वहाँ पर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में जो है खर्चा आएगा, और आप जो है अपने घर में इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम है, मैं अपने घर में भी फाइबर ऑप्टिक लगाई है और वहाँ पे भी प्रॉपरली ये चला पा रहा हूँ। और इस तरह से इसके अपने एंटीने थे, अब हम यूज़ करेंगे इसके साथ एक्सटर्नल एंटीना, और फिर चेक करेंगे स्पीड, देखते हैं क्या आता है फिर स्पीड। तो एक बार दोबारा आपको स्पीड टेस्ट करा देता हूँ,
कुछ टेस्ट संदीप जी ने भी किए हैं, वो अपनी तरफ से वहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जो है मैं आपको एक बार दोबारा चेक करा देता हूँ स्पीड टेस्ट। और ये हमारे इंटरनल एंटीने हैं, हमने टिपलिंक के MR600 को आउट बाहर रखा हुआ है, और सेटअप हमने किस तरीके से किया है वो तो आपने पूरा वीडियो में देख लिया, हमने किस तरह से हमने एक्सेस पॉइंट को आपस में जोड़ा है। और यहाँ पे देखिए 20 Mbps 21 Mbps तक जो है हम ले पा रहे हैं, ये MR600 है और बिल्कुल ओपन में हमने लगाया हुआ है, तो इस तरह से हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम एयरटेल की बात करें या फिर हम वोडाफोन की बात करें, उसके भी टेस्ट हम आपको चेक करा देते हैं। और नॉर्मली फ्रेंड्स देखिए मोबाइल पे क्या डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, ओपन में है और 4G प्लस के साथ कितनी ज़्यादा आई थी, और यहाँ पे देखिए 20 Mbps तक जो है अपलोडिंग जा रही है। बैंड देखिए हमारे पास यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 3 यूज़ हो रहा है, तभी तो अपलोडिंग ज़्यादा आ रही है। ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग थी हमारी जियो की, और एयरटेल में जा रहे हैं अब हम, और अब एयरटेल पे भी आपको चेक करा रहे हैं ओपन में। एयरटेल में भी बैंड 3 आ रहा है, लेकिन एयरटेल के बैंड 3 में काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग आ रही है, 10-12 Mbps, इतनी ही हमारे को 4G राउटर MR600 में भी मिली थी। अपलोडिंग देखिए 20-22 Mbps, ये हमारा मतलब एयरटेल के यहाँ पे 20-22 Mbps ही मतलब जो है टोटल छोड़ी होती है कंपनी ने, वो हमारे को पूरी मिल जाती है। और अब हमारे पास है आइडिया की सिम जो कि वाईफाई पे है, और यहाँ पे हुआवे के साथ हम जोड़ देते हैं, वो आइडिया का आ चुका है। हमारे हिसाब से तो इंटरनेट चलना चाहिए, रिचार्ज हमने कर दिया है और टावर की तरफ बिल्कुल एंटीना फेस कर दिया है, और वोडाफोन का स्पीड टेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास टोटल जो 20-22 Mbps उन्होंने देख रखी है वो पूरी ही हम कैच कर पा रहे हैं, और 15.28 Mbps जो है मेरे को आ रही है, और 15.6 Mbps 16 Mbps जो है हमारे को अपलोडिंग भी आ रही है। तो इस तरह से ये वोडाफोन एयरटेल और सबके टेस्ट थे, और हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लगा के जो है सारे टेस्ट किए। आपने देखा भी किस तरह से हमने यहाँ पे CP510 दोनों को सेटअप किया था, और हमने एयरटेल जियो और वोडाफोन आइडिया सभी पे टेस्ट कराए हैं। अब LPDA एंटीना हमारे को 88 dBm दे रहा था, आइडिया का टावर सामने की तरफ है, हमने सोचा क्यों ना फिर ओमनी डायरेक्शन एंटीना लगाया जाए और चेक किया जाए भी आखिर सिग्नल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे अब 95 dBm आ रहा है। तो अगर डायरेक्शनल वाइज बात की जाए ओमनी एंटीना देखिए कितना ही कारगर साबित हो रहा है, 86 dBm आ रहा है। तो वही बात है ना भाई, जब हमारे को मालूम है वी एंड किस तरफ है तो हमें उसी तरफ जो है लगाना चाहिए। जब हम इसे सीधा लगाते हैं तब देखिए 86 dBm आता है, तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है ताकि चारों तरफ से आए, नहीं तो इसकी दीवारों से मतलब जो है जमीन से जो है टकराव होगा और सिग्नल कम आएगा। और इस तरह से ये सब टेस्ट थे। अब लास्ट में जो है हम आपको वोडाफोन आइडिया का एक बार ओमनी डायरेक्शनल एंटीना पे टेस्ट करा रहे हैं, और आपने देखा भी किस तरह से हमने सेटअप किया, सारे टेस्ट की रिपोर्ट देखी, और इस तरह से आप भी जो है अपने किसी लोकेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कर सकते हैं अपने खुद के रिस्क पे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आसानी होगी जो TP-Link के आउटडोर एंटीनास हैं, यानी कि आउटडोर हमारे CP राउटर हैं जो एक साइड से दूसरी साइड पर पहुँचाते हैं इंटरनेट या नेटवर्क पहुँचाते हैं। तो इस तरह से हम DVR NVR और अपना नेटवर्क जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.3 Mbps और 20 Mbps के आसपास जो है यहाँ पे हमारे को स्पीड मिल रही है वोडाफोन की भी, जो हम इतनी मेहनत करके आपको वीडियोस दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक जरूर कीजिएगा, आपका प्यार हमारे को चाहिए बहुत ज़्यादा। और इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात करें स्पीड टेस्ट की, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा फोन था।